कटाई थाना क्षेत्र अंतर्गत बिहट चांदनी चौक के समीप शुक्रवार की रात आपसी विवाद में गोली से घायल बिहट वार्ड संख्या 16 पक्का टोला निवासी मनु सिंह के 20 वर्षीय पुत्र विष्णु कुमार के फर्द बयान पर थाना कांड संख्या 303/21 दर्ज किया गया। उसने पुलिस को बयान में बताया कि वह अपने ऑटो से हथदा से आकर बिहट चांदनी चौक पर सब्जी खरीदने के लिए रुका था। उसी समय बिहट निवासी मक्कसपुर टोला निवासी स्वर्गीय कामदेव सिंह के पुत्र विपुल कुमार ने 2000 रुपये देने को कहा। रुपये नहीं है कहकर मना कर जब वे सब्जी खरीद कर जाने लगे तो विपुल ने उन्हें इशारा करके गंगाराम मिठाई दुकान के पीछे बुलाया। जब वहां गए तो फिर से वह रुपये मांगने लगा। उनके द्वारा इनकार करने पर उसने कमर से पिस्तौल निकाल ली और गोली मार दिया। गोली दाहिने जांघ में लगी जिससे पीड़ित घायल हो गया और वहीं गिर गया। आनन फानन में घायल ऋषि को बेहतर इलाज के लिए PSC बरौनी में भर्ती कराया गया। उसके बाद उससे बेहतर इलाज हेतु ग्लोकुल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले में FCIOP अध्यक्ष पल्लव ने कहा कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी की जा रही है। BT न्यूज बिहार के लिए अमरेश कुमार की रिपोर्ट। सर कि मेरा भाई उसके साथ रहता था, 2 महीना से रहना छोड़ दिया है। वो गलत काम करने लगा था। हम उसको बोले समझाए कि उसके साथ मत रहो, वो गंदा आदमी है, गंदा लड़का है। तब दबाव देने पर मेरा भाई उसका साथ छोड़ दिया। वो अपना उसको हम ऑटो किन के दिए, वो ऑटो चलाने लगा, अपना काम उम देखने लगा। तब वो 1 महीना चलाया गाड़ी। उसके बाद इधर 5-6 दिन पहले वो उससे हद्दा 0 माइल से हद्दा जा रहा था गाड़ी भर के। 0 माइल से हद्दा जाने उधर से गया, खाली करके आ रहा था। तब बिहट चौक पे रुकवा के उसको कहा कि चलो गंगाराम मिठाई उठाई खाने के लिए जाना है। तो मेरा भाई बोला रुपया मेरे पास नहीं है। वो बोला कि नहीं, तुम इतना कमा रहा है, रुपया नहीं है, चलो मिठाई उठाई खिलाओ, खर्चा पानी करो और दो हमको 2-3 हज़ार रुपया, अभी नहीं है जेबी में। मेरा भाई बोला नहीं है मेरे पास, हम कहाँ से दे तुमको। तो इसी बात को जिद करने लगा और बोलने लगा नहीं देगा तब हम तुम पे भी गोली चला देंगे, गोली चला देंगे। मेरा भाई बोला ठीक है, रुपया नहीं है तो हम क्या करें, नहीं देंगे, तुम चलाना है चला दो। इसी दौरान वो पीछे ले गया, बोला चलो चलो पीछे। पीछे ले जाने के बाद वो गोली चलाने का प्रयास किया मेरा भाई पर, वो एकदम टान दिया आगे से। वो नहीं भागता तो सीने पर लग जाता। वो भागने का प्रयास किया तो उसके जांघ में दौड़ने के वजह से जांघ में गोली लग गई। वो बिल्कुल गोली मारा यही घर काली स्थान के पास है, कामदेव सिंह का बेटा विपुल कुमार सिंह। गोली चलाया मेरा भाई ऋषु कुमार सिंह। नहीं कोई आपसी विवाद हुआ नहीं था, साथ में ही रहता था। वही विवाद यही है कि 1-2 महीना से उसके साथ रहना छोड़ दिया था, यही बात था। ये बढ़िया काम करने लगा, वही गलत गलत काम कर रहा था, इसको भी ले जाना चाहता था, मगर इस पर हम दबाव दिए तो नहीं गया, छोड़ दिया उसके साथ रहना, और कोई बात नहीं। पुलिस को तो कंप्लेन किया हुआ है, वो अपना प्रयास में है, जा रहे हैं, रेड उड मार रहे हैं, हमसे बातचीत भी करते हैं, फ़ोन करके बोल रहे हैं कि बताओ कहाँ है कैसे है। तो अभी तो हम अपने भाई में लगे हुए हैं, हमको बार बार अस्पताल जाना पड़ता है, वहाँ रुपया लग रहा है, व्यवस्था करना पड़ता है रुपया का, अभी नहीं दे पा रहे हैं। ये घटना का तो हो गया सर, 23 तारीख को ये घटना हुआ है, 8-9 दिन हो गया तक कोई पता नहीं चल रहा है। नहीं अभी तक गिरफ्तारी किसी का तो नहीं हुआ है सर, और गांव में घूम फिर भी रहा है, पता चल रहा है कि वो घूम रहा है, उधर है उधर है, दोस्त यार बोलता है हमको मिला हमको मिला, और हमको भी डर लगता है कि फिर आने जाने में। तो अभी तो धमकी वगैरह नहीं दे रहा है, मगर वही बीच में जो समझा रहे थे उसी में एक बार लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो उसको समझाए तो हमको इधर रतन चौक रास्ते से जाते हैं उसी घर के आगे से 0 माइल जब जाते हैं तो रास्ता में एक दिन भेंट हो गया, पकड़ के हमको बोला कि तू हमको काहे मारा है, अभी मार दे ऐसे वैसे। उसके बाद आज तक कुछ नहीं हुआ। विकास कुमार, मनोज सिंह, बिहार, बिहार गुरदासपुर पक्का जिला बेगूसराय। मेरे देवर को गोली लगाए, वो अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ने का कोशिश सर, हमको उसमें पता नहीं कौन पर जाने के लिए बोला कि बोले कि हम नहीं जाएंगे, बोला कि
नहीं रुपया देगा 2000 तो गोली मार देंगे। इतना तो रुपया कहाँ से दे, मेरे पास नहीं है। वर्षा दोस्त